दोस्तों, आज मैं आपको लखनऊ में बना इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दिखाऊंगा। यह स्टेडियम लखनऊ में सुल्तानपुर रोड के शहीद पथ पर बना हुआ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजन के साथ साथ नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। यह स्टेडियम सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी मॉडल पर बना है। इस स्टेडियम को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने दिसंबर 2013 में बनवाने की घोषणा की थी। यह स्टेडियम 2017 में बनकर तैयार हुआ था। इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की 50,000 दर्शक क्षमता है। इस स्टेडियम के ऑनर इकाना स्पोर्ट्स सिटी है। इस स्टेडियम के दो छोर हैं, नॉर्थ एंड दूसरा साउथ एंड। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल मैच 6 नवंबर 2018 को इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच T20 खेला गया था। तब इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भारत का 52वां स्टेडियम था जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ था। लखनऊ में इससे पहले इंटरनेशनल मैच जनवरी 1994 में इंडिया व श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच हुआ था, जो कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेला गया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इससे पहले एक ही इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम था, जो कि कानपुर में स्थित है, जिसका नाम ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है। लखनऊ में नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इकाना ग्रुप को जमीन दी थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण और इकाना ग्रुप के बीच करार के मुताबिक इस मैदान का नाम इकाना स्टेडियम रखा जाना था, लेकिन नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा है। अब इस स्टेडियम का नाम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से इस स्टेडियम में अभी प्रवेश वर्जित है, इसलिए मैं बाहर से वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, यह स्टेडियम जितना दिन में दिखने में खूबसूरत लगता है, उतना ही रात में भी दिखने में खूबसूरत लगता है। अगर आपको मेरे द्वारा इकाना स्टेडियम की दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको ये स्टेडियम दिखने में कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।